Hello friends, good morning. Welcome to YouTube session of CSIR Net. बहुत-बहुत स्वागत है सबका CSIR Net के इस session के अंदर. तो आज हमारा next CSIR Net का जो session है, वो start होने वाला है. इसके अंदर हम countability and uncountability discuss करेंगे और साथ के साथ कुछ functions के बारे में बताऊंगा कि functions क्या होते हैं. ठीक है, तो just एक minute में हम start करने लगे हैं session. उसके बाद हम start करेंगे आज का session CSIR Net के ऊपर. Countability and uncountability का. ठीक है जी, बस एक मिनट की वेट, फिर हमारा सेशन स्टार्ट होने लगा है यूट्यूब के ऊपर Countability and uncountability का. चलिए स्टार्ट करते हैं जी हमारा आज का सेशन यूट्यूब के ऊपर CSIR नेट को लेके काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी को के ऊपर. तो फ्रेंड्स स्टार्ट करूंगा अपने इंट्रोडक्शन के साथ. माय नेम इज रवि मित्तल. आई हैव कंप्लीटेड माय एमएससी फ्रॉम पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला. आई हैव क्रैक्ड CSIR UGC नेट इन जून 18 विद ऑल इंडिया रैंक 26 इन फर्स्ट अटेम्प्ट. आई ऑल्सो क्रैक्ड IIT जैम इन फेब 16. आई हैव 2 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस. तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे रेफरल कोड से अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. देखिए अनअकैडमी प्लस के जो बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे भरमार वाले बेनिफिट्स हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर. अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करेंगे ravi_mittal को, तो आपको 10% का एडिशनल जो है डिस्काउंट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोर्स आपके पास 10,500 रुपये का है, जैसे कि यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्स के रेट दे रखे हैं. एक मंथ का कोर्स 2100 रुपये का है, 3 मंथ का 5,250 रुपये का है और 6 मंथ का 8,400 रुपये का है. उसके बाद अगर मैं 12 महीनों की बात करूँ तो 10,500 का है. एंड 24 महीने की तो हम बात ही नहीं करते. 24 महीने का तो आपको CSIR नेट इतना लेने की जरूरत ही नहीं है. 12 महीने तक आप खरीद सकते हैं. ठीक है, तो 12 महीने का जो कोर्स है वो आपके पास 10,500 रुपये का कोर्स जो है था. ये हमारी तरफ से रिकमेंडेड होता है, यहाँ तो 6 मंथ का या फिर 12 मंथ का. ठीक है, तो अगर आप 10,500 रुपये का कोर्स खरीदेंगे यहाँ पे, तो अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अपने रवि_mittal को अप्लाई किया, देन अप्लाई के ऊपर क्लिक किया, तो यही कोर्स आपको 1,050 का डिस्काउंट करके 9,450 का रह जाएगा. उसी तरह से अगर आप बात करते हैं 6 मंथ के कोर्स की, तो 6 मंथ का जो कोर्स है हमारे पास वो 8,450 का है. अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे ravi_mittal, तो यही यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यही कोर्स आपके पास 8,840 का डिस्काउंट डल के 7,560 का रह जाएगा. उसके अलावा 1 महीने का भी कोर्स होता है 2100 रुपये महीने का, और उसके अलावा 1,750 रुपये का भी एक कोर्स होता है जो कि 3 महीने का होता है, 1,750 रुपये पर मंथ, जो कि टोटल चलता है आपको 5,250 3 महीने का कोर्स अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं ravi_mittal. ठीक है, तो उसके बाद जैसे आप अपने बारे में बताना चाहूँगा, देखिए यहाँ पे जो है ये मेरी प्रोफाइल है अनअकैडमी के ऊपर. अनअकैडमी के ऊपर जाके आप सर्च करेंगे यहाँ पे ravi_mittal को, तो जब ravi_mittal को यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोफाइल खुल जाएगी. तो वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी अचीवमेंट्स हैं यहाँ पे, डेडिकेशन जो स्टूडेंट्स ने दे रखी हैं, जो डिफरेंट कोर्सेज को लेकर स्टूडेंट्स के जो फीडबैक होते हैं वो इन हैड्स के रूप में वो डेडिकेट करते हैं. तो 61 हैड्स हैं, टोटल 61 स्टूडेंट्स ने जो है बहुत ही अच्छा रिव्यू दे रखा है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं. और ये पिछला जो टोटल वॉच टाइम है, अब ये इस टाइम पे जब मैं क्लास ले रहा हूँ 400 के करीब के हो गया है, 400K के करीब हो गया है. तो उसके बाद जो हम मैं पिछले 6 मंथ की बात करूँ, जो लास्ट 6 मंथ के अंदर हमने कोर्स लिए हैं यहाँ पे CSIR नेट के लेके, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा को हमने कवर किया है, ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कवर किया है, डिफरेंशियल इक्वेशन रियल एनालिसिस को कवर किया है, रियल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट पार्ट्स कवर किए हैं, उसके बाद कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड नाउ ये क्रैश कोर्स चल रहा है मैथमेटिक्स के ऊपर. देखिए जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पेपर आता है वो हमने सभी कवर कर लिए हैं. बाकी जो पार्ट ए है, पार्ट ए की जो क्लासेज आती हैं वो स्पेशल क्लासेज के थ्रू आपको देखने को मिलती हैं. और साथ ही साथ एक ग्राफ्स के ऊपर बीच में से क्लास आई थी ग्राफ्स को लेकर, तो ग्राफ्स के अंदर भी जो क्लासेस हैं वो पार्ट ए के अंदर, सॉरी स्पेशल क्लासेस के थ्रू आई थी, उसके अंदर ग्राफ्स के बारे में काफ़ी आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिली थी. ठीक है, तो डिफरेंट क्लासेस को हमने कवर किया है डिफरेंट तरह से. तो जो प्लस कोर्सेज हैं जी, प्लस कोर्सेज के अंदर आपको ये 6 कोर्सेज जो लास्ट 6 मंथ के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर का ये कंबाइंड कोर्स है. ठीक है, तो डिफरेंट कोर्सेज को हमने कवर किया है, तो बहुत ही अच्छे से कोर्सेज गए हैं, इनको आप जाके देख सकते हैं. उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, ये डिफरेंट सब्सक्रिप्शन रेट्स हैं आपके ऊपर आपके पास. तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं जी आज की. आज का जो क्लास का ओवरव्यू है वो है बेसिक्स ऑफ रियल एनालिसिस,
फंक्शंस एंड काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। तो मैं स्टार्ट करूंगा जी बेसिक्स के साथ रियल एनालिसिस के, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जी काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी। फाइन जी, तो बेसिक्स ऑफ रियल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस। देखिए रियल नंबर्स, देखिए सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं कि अब हमारे जो वर्ड है, मतलब अगर मैं बात करूं हमारे लेवल तक, सिर्फ दो तरह के नंबर हम जानते हैं, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो रियल के अंदर आगे भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, यहाँ पे रियल नंबर्स के आगे भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। तो रैशनल के आगे हम पार्ट्स के अंदर ब्रेक करते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड ऑल दैट। इसके अंदर इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर की अगर मैं साधारण डेफिनेशन आपको दूं, ठीक है, तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो वाले नंबर्स जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होती है, और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो क्या होती है, आपके पास टर्मिनेटिंग हो जाए और रिपीटिंग अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो इसके अंदर रैशनल की अगर मैं सीधी सी भाषा में डेफिनेशन दूं तो हम शुरू से पढ़ते हैं पी ओवर क्यू फॉर्म के, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो नंबर इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसी तरह से जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, वैसे फिर भी इस तरह के नंबर की फॉर्म को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं, वेयर जो ए एंड बी होता है, ए एंड बी आपके पास क्या होते हैं, यहाँ पे रियल्स को बिलोंग करते हैं, रियल्स को, रियल नंबर्स के सेट को मैं इस तरह से डिनोट करता हूं, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को मैं इस तरह से डिनोट करता हूं। ठीक है, तो यही फर्क है जी कॉम्प्लेक्स नंबर्स और रियल एनालिसिस, रियल नंबर्स के बीच में। तो नेचुरल नंबर्स की बात करें, वो वाले नंबर जो वन से स्टार्ट होते हैं और लास्ट तक चलते रहते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते, उसको मैं बोलता हूं नेचुरल नंबर। और अगर मैं बात करूं इसके अंदर जीरो नहीं होता, इसके अंदर जीरो नहीं होता, अगर मैं बात करूं जेड की इंटीजर्स के अंदर, तो जीरो, वन, टू, थ्री एंड सोन, इनका नेगेटिव भी इसके अंदर पड़ा होगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं रैशनल्स की, मैंने अभी भी बताया कि जो वाले जो नंबर को मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकूं, वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी क्यू बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं जी जेड को, और इसको हम नेचुरल नंबर्स को इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको मैं पी अपॉन क्यू फॉर्म के अंदर नहीं लिख सकता, इसको मैं डिनोट करता हूं क्यू सी से, और इसको डिनोट करते हैं रैशनल को क्यू से, क्यू का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद अब देखिए रियल नंबर्स जो होते हैं सिर्फ दो तरह के नंबर्स के साथ बने होते हैं, रैशनल नंबर्स यूनियन इरेशनल नंबर्स, बस इन दो तरह के नंबर्स के साथ बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं जी रियल नंबर्स। यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर्स, बस ये है जी। सेट ऑफ रैशनल नंबर्स और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स की अगर मैं यूनियन कर दूं तो जो पूरा सेट बनेगा आपके पास वो बनेगा रियल नंबर्स का सेट। और साथ ही साथ समझने वाली बात इसके अंदर ये है कि क्यू और क्यू सी में, मतलब रैशनल और इरेशनल में, कोई भी नंबर जो होता है कॉमन नहीं आता, नो कॉमन नंबर, मतलब फाइव। इनके इंटरसेक्शन के अंदर क्या रहता है जी, आपके पास फाइव रहता है, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूं टू डायमेंशनल प्लेन की, तो टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर देखिए एक एक्स एक्सिस होता है और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर यहां से आपके पास एक्स वाई प्लेन होता है, ये वाला, फाइन। तो एक्स वाई प्लेन के अंदर देखिए टू डायमेंशनल की बात है, अभी तक हम वन डायमेंशनल के अंदर चलते आए थे, इसके अंदर टू डायमेंशनल होता है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं एक्स एक्सिस बोलता हूँ, वर्टिकल एक्सिस को मैं वाई एक्सिस बोलता हूँ, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है 90 बनता है, ये ओरिजिन होता है। ये सिर्फ बच्चों वाली बात है, बताने वाली नहीं है, तो ज्यादा इसको डीप में नहीं चलेंगे। ठीक है, हर पॉइंट एक्स वाई प्लेन के अंदर इस तरह का होता है, एक्स कोमा वाई, फाइन। उसके बाद ये है जी आपके पास सारी की सारी, अगर मैं सेट्स की बात करूं, देखिए कॉम्प्लेक्स, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस बात का ध्यान रखना, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है उसको आप इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, आयोटा जीरो आयोटा, ए प्लस जीरो आयोटा, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में भी चला जाएगा, फाइन। तो पॉजिटिव यूनियन जीरो, उसके बाद यहाँ पे जेड नेगेटिव इसका सबसेट होता है, उसके बाद अगर जेड पॉजिटिव यूनियन जीरो की बात करूँ, ये आपके पास होल नंबर ही होते हैं जी, सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यूनियन जीरो, इसको हम बोलते हैं जी होल नंबर्स। ठीक है, और नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट होता है, क्योंकि नेचुरल के अंदर जीरो नहीं होती, होल के अंदर जीरो होती है, फाइन। उसके बाद आता है जी एलिमेंट्री सेट थ्योरी एंड काउंटेबिलिटी, यहाँ से जी हमारा मेन स्टार्ट हो रहा है जी आज का टॉपिक। पहले तो जस्ट एक रियल नंबर्स के बारे में मैंने आपको जस्ट एक ओवरव्यू दिया है। सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेट, पहले सेट की डेफिनेशन है जी, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, अ सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बाय वेल डिफाइंड वी मीन देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग
इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखिए कहता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूँ, सेट बोलता हूँ। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट की जो कलेक्शन होती है उसको मैं सेट बोलता हूँ। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि वो सेट के अंदर एलिमेंट आएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा सेट के बारे में बताता हूँ, उसके बाद इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बारे में बताऊंगा। सेट आर कन्वेंशनली डिनोटेड विद कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स विल रिप्रेजेंट द मेंबर ऑफ द सेट। अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करता हूँ, और अगर मैं इसके एलिमेंट्स की बात करूँ तो इसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूँ, ए बी सी डी इस तरह से, फाइन। तो उसके बाद यहां से अगर हम बात करें, वेट कीजिए एक सेकंड, उसके बाद अगर मैं बात करूं इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स की, देखिए यहां से आपके पास, अब मान लीजिए मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी कि सेट ऑफ टॉप टेन एक्ट्रेसेस ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर मैं टॉप टेन एक्ट्रेसेस की बात करूं, अब देखिए हर आदमी का डिफरेंट डिफरेंट व्यू होगा, टॉप टेन एक्ट्रेसेस को लेके हर आदमी का डिफरेंट डिफरेंट व्यू होगा, तो पर्टिकुलर एक आदमी के लिए या फिर एक वुमेन के लिए ये चीज जो है डिफरेंट डिफरेंट सेट बनाएगी। तो ये चीज अब यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन है कि टॉप टेन एक्ट्रेस कौन से हैं। मेरे अकॉर्डिंग टॉप टेन कोई और होता है, किसी और के अकॉर्डिंग टॉप टेन और होगा। मैं बोलूंगा कि सेट ऑफ टॉप टेन सिंगर्स, आपके अकॉर्डिंग टॉप टेन सिंगर्स कुछ और होंगे, मेरे अकॉर्डिंग टॉप टेन सिंगर्स कुछ और होंगे। तो इसके लिए कन्फ्यूजन है, ये आपके पास सेट नहीं आएगा। बट अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अगर मैं सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट बोलूँ, ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब हर आदमी के जिसको इंग्लिश आती है अल्फाबेट्स के बारे में पता है तो उसको पता है ए ई आई ओ यू, यही आपके पास क्या होंगे जी, वोवल्स होंगे। तो इस सेट के अंदर सिर्फ पांच ऑब्जेक्ट्स ही होंगे और पांच के पांच इस सेट के अंदर आएंगे। तो ये सेट क्या है आपके पास, वेल डिफाइन है। ये सेट आपके पास क्या है, वेल डिफाइन है। ठीक है जी। उसके बाद रशल्स पैराडॉक्स, उसके बाद आती है जी आपके पास रशल पैराडॉक्स। देर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, देर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। देखिए किसी भी सेट को अगर आप बहुत सारे सेट्स की कलेक्शन ले लेंगे वो सेट कभी भी नहीं बनेगा। किसी भी सेट की अगर आप कलेक्शन ले लेंगे, देखिए क्या है, देर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स, इसका मतलब समझिए आपने सारे सेट्स जितने भी दुनिया जहान के सेट है सारे के सारे सेट इकट्ठे कर लिए, अगर उनको इकट्ठा करके आप बोलेंगे कि ये सेट है तो ये चीज़ नहीं है, वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मान लीजिए ये सेट होता, अगर ये सेट होता मतलब ऐसा एलिमेंट होता, ये ए, ए इज अ सेट, अगर ए सेट है, अब देखिए अगर ये सेट है एक्स, तो एक्स भी तो इसके अंदर बिलोंग करेगा क्योंकि एक्स अपने आप में सेट है, हर सेट अपने आप को बिलोंग नहीं कर सकता। इसी को देखिए तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, तो यहां से रशल पैराडॉक्स सही हो गया, देर इज नो सेट ऑफ ऑल सेट्स। ऑपरेशन ऑन द सेट, हाँ जी, ऑपरेशन के अंदर यूनियन आती है जी। सबसे पहले यूनियन के अंदर क्या होता है हमारे पास, ए यूनियन बी, एक्स या तो ए को बिलोंग करेगा या फिर किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। ए यूनियन बी, या तो एक्स ए को बिलोंग करेगा या फिर ए किसको बिलोंग करेगा, बी को बिलोंग करेगा। कॉमन एलिमेंट शुड टेकन ओनली वंस, जो कॉमन एलिमेंट है उसको सिर्फ एक बार लेना है, और नॉन कॉमन एलिमेंट को हम पक्का एक बार लेंगे। इसके बारे में सबको पता है, यूनियन के बारे में। इंटरसेक्शन के अंदर होता है जी, कॉमन एलिमेंट उठाने हैं आपको इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन के अंदर क्या होता है, ए और बी के आपको क्या उठाने हैं, कॉमन एलिमेंट्स उठाने हैं। ए और बी के आपको क्या उठाने हैं, कॉमन एलिमेंट्स उठाने हैं। देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, देन ए एंड बी आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। अगर आपके पास, सॉरी मैं गलत यहां पे थोड़ा ये बताना भूल गया कि अगर ए यूनियन बी फाई हो गया, अगर ए यूनियन बी फाई हो गया तो ये आपके पास क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट्स होंगे। वेलकम इशिका जी, गुड आफ्टरनून। तो यहां से इंटरसेक्शन के बारे में दोबारा बताता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर अगर एक्स बिलोंग कर रहा है ए को और एक्स ही बिलोंग कर रहा है बी को,
मतलब दोनों को बिलोंग कर रहा है जो एलिमेंट, वो इसकी इंटरसेक्शन में आएगा। अगर इनकी इंटरसेक्शन खाली है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर फाई है, एम्प्टी सेट है, तो इस वाले दोनों सेट को हम बोलेंगे दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स, दीज आर द डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद आता है जी डिफरेंस। डिफरेंस के अंदर क्या लेंगे आप यहां पे, ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए, अगर ए में हो, अगर बी में ना हो तो इसको बिलोंग करेगा ए माइनस बी को, ए वो वाला एलिमेंट जो ए में हो बट बी में ना हो, एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी, उसको बोलेंगे डिफरेंस। कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होता है जी, सारे एलिमेंट यूनियन के वो वाले जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में जाएंगे, एक्स बिलोंग्स टू यू सच दैट एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, उसको आप डालेंगे कॉम्प्लीमेंट के सेट के अंदर, फाइन। उसके बाद रिजल्ट, यहां से a माइनस बी इज इक्वल नॉट इक्वल टू b माइनस ए होता है, जरूरी नहीं है कि a माइनस बी इज इक्वल टू b माइनस ए हो, अगर a माइनस बी सबसेट ऑफ a है तो b माइनस ए भी सबसेट ऑफ a होगा, ठीक है। यहां से a माइनस बी भी सबसेट ऑफ a है और b माइनस ए भी सबसेट ऑफ a होगा यहां से। उसके बाद यहां पे b आएगा, b माइनस ए इज अ सबसेट ऑफ b। उसके बाद a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस ए इज इक्वल टू फाइव, ए माइनस बी की इंटरसेक्शन और b माइनस ए की इंटरसेक्शन लेंगे तो ये क्या आएगा आपके पास, फाइव आएगा। a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या है, यूनियन, मतलब अगर आप a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल क्या बनेगा आपके पास, सेट बनेगा। देन a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट आपके पास बनेगा जी फाइव, एंड उसके बाद अगर a का दो बार कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो वो सेट दोबारा बन जाएगा a, फाइन। तो ये कुछ रिजल्ट हैं सेट के साथ रिलेटेड, ये वेन डायग्राम बनाई हुई है, ये आपके पास सेट है एक, ये दूसरा सेट है, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पोर्शन आ जाता है, यहाँ पे आपके पास b माइनस ए आ जाता है और यहाँ पे आपके पास a माइनस बी आ जाता है, फाइन। पावर सेट, द पावर सेट ऑफ a इज डिनोटेड बाय pa एंड डिफाइन एज, देखिए अगर आपके पास कोई सेट है, अगर आपके पास कोई सेट है तो उसके अगर आप सबसेट्स बना लेते हैं किसी सेट के, अगर आप सबसेट बना लेते हैं मतलब उसका कुछ पोर्शन ले लेते हैं सेट का, उसको आप बोलते हैं सबसेट, ठीक है। सारे सबसेट की कलेक्शन को आप बोलेंगे पावर सेट, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए, पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। कहता अगर आपके पास ए इज इक्वल टू एन है, अगर आपके पास ए इज इक्वल टू एन है तो पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, टू रेज टू पावर एन होगा, टू रेज टू पावर एन होगा। अगर a इज इक्वल टू n मतलब a की जो कार्डिनलिटी है वो n है, a के अंदर n एलिमेंट्स हैं, सेट a हैज, सेट a हैज n एलिमेंट्स, देन उसकी पावर सेट के अंदर क्या होंगे जी आपके पास, टू रेज टू पावर n एलिमेंट्स होंगे, उसके पावर सेट के अंदर क्या होंगे, टू रेज टू पावर n एलिमेंट्स होंगे। a डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, कार्डिनलिटी, अगर ए के पास तीन एलिमेंट्स हैं तो जो पावर सेट होगा ए ए, ये वाले इसके सबसेट बनेंगे, देखिए ए फाई, फाई और ए तो पक्का होंगे ही होंगे। उसके बाद यहाँ से एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई, एक्स जेड और वाई जेड, ये सबसेट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए टोटल एट सबसेट्स बन गए, मतलब टू रेज टू पावर थ्री कितना होता है, एट होता है, ये वेरीफाई हो गया यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स की मैं बात कर रहा था, यहाँ पे पावर सेट की बात कर रहे थे। उसके बाद कार्टिजियन प्रोडक्ट, कार्टिजियन प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आपके पास दो सेट्स हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट करते हैं जी आप लोग, कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट करते हैं, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए एंड बी, इस तरह से ए कोमा बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, देन ए क्रॉस बी, ए बी, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, इसको आप बोलते हैं जी कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब पहला एलिमेंट ए का दूसरा एलिमेंट बी का। अगर मैं बात करूं, अगर देखिए यहां से अगर मैं ए को ले लूं वन टू और बी को ले लूं फोर फाइव और सिक्स, ठीक है, तो यहां से ए जो ए होगा आपके पास वन कोमा फोर, वन कोमा फाइव, वन कोमा सिक्स। उसके बाद अगर मैं दूसरे से बात करूं टू कोमा फोर, टू कोमा फाइव एंड टू कोमा सिक्स। वेलकम श्री जी, कृपा जी, गुड आफ्टरनून। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जी डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल की, देखिए यहाँ से जो है मेन हमारा जो स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट जी रैशनल एंड इरेशनल के साथ, डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। देखिए रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, हमें पता है कि ये नंबर लाइन है जी आपके पास,
ये क्या है आपके पास, नंबर लाइन है, ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, ये जीरो। अब इस लाइन के ऊपर बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के अंदर रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल क्या कह रही है, कहते कि मान लीजिए दो आपके पास रैशनल नंबर है, कहीं भी दो डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों रैशनल नंबर्स के बीच में पक्का देयर इज एटलीस्ट वन रैशनल नंबर एंड एटलीस्ट वन इरेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। दो डिस्टिंक्ट नंबर उठाए हैं जी आपने रियल लाइन के ऊपर, तो इन दोनों के बीच में पक्का कम से कम एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर पक्का होगा, एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर। अच्छा, अगर इन दोनों के बीच में पक्का एक रैशनल और इरेशनल नंबर होगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, तो इन दोनों के बीच में भी एक होगा, वो यहाँ पे होगा तो इन दोनों के बीच में भी एक होगा। तो मोर ओवर हम ये बात बोल सकते हैं कि जो मर्जी दो नंबर उठा लो, उन दोनों के बीच में इन्फाइनाइटली रैशनल और इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर आपको मिल जाएंगे, इन्फाइनाइटली रैशनल और इन्फाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो रैशनल और इरेशनल के अंदर, रैशनल और इरेशनल के अंदर हमारे पास इन्फाइनाइटली मैनी रैशनल और इरेशनल नंबर पड़े होते हैं। कोई दो मर्जी नंबर उठाए, यहाँ पे ये जीरो, यहाँ पे ए और बी, इन दोनों के बीच में जितने मर्जी नंबर उठा लो आप, ठीक है, बहुत सारे रैशनल्स होंगे, बहुत सारे इरेशनल्स होंगे। अगर मैं बात करूँ जीरो और वन की, ये जीरो ये वन, इन दोनों के बीच में इन्फाइनाइटली रैशनल और इन्फाइनाइटली इरेशनल नंबर्स पड़े हैं, ठीक है जी। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। उसके बाद डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल रैशनल नंबर्स की बात करते हैं। उसके बाद आते हैं जी फंक्शंस के अंदर क्या होता है। देखिए, मैंने बहुत बार शायद अनअकैडमी के ऊपर भी पढ़ाई है ये बात, जो मेरे अनअकैडमी के स्टूडेंट यहाँ पे उनको तो ये बात पता है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार फिर से पढ़ाऊंगा उस चीज़ को। जूसर मिक्सर के एग्जाम्पल हम लेके आएंगे यहाँ पे फंक्शन के अंदर, ठीक है, तो बड़े इंटरेस्टिंग वे से इसको करेंगे हम। फंक्शन देखिए, अगर मैं बात करूँ फंक्शन की, तो ये कॉन्सेप्ट हमें प्लस वन प्लस टू से पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अगर मैं मैथमेटिकल साइंसेज की बात करूँ, तो जिन्होंने मैथमेटिकल साइंसेज का रखा है, मतलब सारे मैथ्स वाले हैं ऑब्वियसली यहाँ पे, तो फंक्शन के अंदर एक आपके पास मैप होती है जी f from a to b, ठीक है। लेट a एंड b टू सेट्स इफ देयर इज अ रूल, इफ ये एक तरह का रूल है जो कहता है कि विच असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ b टू एवरी एलिमेंट ऑफ b, a टू एवरी एलिमेंट ऑफ b, मतलब a के हर एलिमेंट को ये b के ऊपर असाइन करता है। मतलब कि कोई ना कोई से रूल बना दिया है कि हाँ भैया कि तू इस तरह से ड्रेसअप होके b के पास जाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं बात करूँ सुबह सुबह हम स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, ठीक है, मतलब पेरेंट्स जो होते हैं स्कूल जाने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ रूल है स्कूल का कि हाँ भैया ये ड्रेस पाके आनी है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ये बच्चा, ये वाला ए वाला ए मेंबर यहाँ से बी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक रूल है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ फंक्शंस की, ये भी एक तरह की मशीनें होती हैं। मान लीजिए अगर मैं फंक्शंस आपके पास ये ले लेता हूँ f(x) = x + 1, और यहाँ से जो f काम कर रहा है वो आपके पास रियल टू रियल काम कर रहा है, सारे के सारे रियल नंबर आपने उठाने हैं, सारे के सारे क्या है रियल नंबर आपने उठाने हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मशीन की, तो ये एक तरह की मशीन है, यहाँ से इनपुट डलेगी, यहाँ से आउटपुट बाहर निकलेगी, और जो ये मशीन का नाम रखा है वो हमने रखा है x + 1, जो हमने मशीन का नाम रखा है वो रखा है हमने x + 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से x + 1, जब आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे, तो ये 1 + 1 होकर 2 बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पे आप x की वैल्यू 2 डालेंगे, तो ये 3 बाहर निकल जाएगा, इस तरह से। तो ये मशीन इस तरह से काम कर रही है। देखिए रियल डाल रहे हैं और रियल में ही जा रहा है ये, ठीक है, सारे के सारे रियल नंबर डालेंगे वो रियल नंबर ही बनेंगे। तो फंक्शन जो है R टू R वर्क कर रहा है, और जो ये फर्स्ट वाला होता है पार्ट, इसको हम बोलते हैं जी डोमेन। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं डोमेन, इसको हम बोलते हैं जी को डोमेन। क्या बोलते हैं? को डोमेन। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए ये डोमेन होती है, ये को डोमेन होती है। और साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं बच्चों को, जो है को डोमेन और रेंज के अंदर बड़ा जो है कंफ्यूजन रहती है। देखिए अब यहाँ से अगर मैं दूसरे फंक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, आपको डोमेन और को डोमेन के अंदर डिफरेंस क्लियर होगा। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपसे जो एफ है वो फंक्शन ले लूं इस तरह से, ए सेट से लेके बी सेट तक, जो ए है वो आपने उठा लिया ये वाला 1 2 3, और जो बी है वो आपने उठा लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये लो उठा लिया, और आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया इस तरह से f(x) = x². अब देखिए जो f1 है वो 1 आएगा, 1 का स्केयर, जो f2 है वो आपके पास 2 का स्केयर आएगा 4, जो f3 है वो आएगा आपके पास 3 का स्केयर 9,
देखिए अब ये 1B 4B और 9B इस सेट को बिलोंग कर रहे हैं, देखिए तो फंक्शन ए टू बी वर्क कर रहा है, तो जो ए की जो इमेजेस थी 1 2 3 जो ये मैप कर रही है बी सेट के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ठीक है, तो 1 1 कर रहा है मैप 1 के ऊपर, 2 कर रहा है मैप 4 के ऊपर और 3 कर रहा है मैप यहां से 9 के ऊपर ठीक है। तो देखिए अब जो ये 1 3 1 4 और 9 वाला सेट आ गया, 1 4 और 9 जो इमेज सेट बोलते हैं इसको, ये किसी की इमेजेस बन रहे हैं, ये किसी की इमेजेस बन रहे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा रेंज। क्या बोलूंगा? रेंज। इस पूरे सेट को बोलूंगा कोडोमेन, और सिर्फ इस वाले सेट को बोलूंगा जिसके अंदर सिर्फ ये तीन एलिमेंट है उसको मैं बोलूंगा रेंज। मतलब कोडोमेन, डोमेन और रेंज के अंदर फर्क क्या है? डोमेन होती है आपके पास जहां से हम इनपुट ले रहे हैं, कोडोमेन होती है जिसमें से आउटपुट आ रही है, और जो आउटपुट आ रही है उसको हम बोलते हैं रेंज, जो आउटपुट आ रही है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो जो रेंज होती है वो आपके पास सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है, जो रेंज होती है वो आपके पास क्या होती है? सबसेट ऑफ कोडोमेन होती है। तो ये है जी सारी कहानी फंक्शंस की। अगर मैं बात करूं जो आपको मैंने भी बताया था जूसर मिक्सर वाली एग्जांपल की, देखिए फंक्शंस को जूसर मिक्सर के साथ हम ऐसे रिलेट करते हैं, आपके पास कोई ना कोई घर पे जूसर मिक्सर होता है जी, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम, यहां से अपने जो फ्रूट्स हैं डालते हैं ठीक है, और यहाँ पे हमारा जूस निकल जाता है। अब देखिए यहाँ से फ्रूट्स डाले, अब फ्रूट्स के अंदर देखिए क्या सेट ऑफ फ्रूट्स, ए जो होगा वो सेट ऑफ फ्रूट्स होगा, जो बी होगा आपके पास, जो बी होगा उसके अंदर आपके पास क्या आएंगे, देखिए वेस्ट मटेरियल भी आएगा और साथ के साथ आपके पास क्या आएगा, जूस भी आएगा। अब जब आप लीची डालेंगे तो लीची जूस बाहर निकलेगा, यहाँ पे लीची जूस लिख लीजिए, जब मैंगो डालेंगे तो मैंगो जूस बाहर निकलेगा, पाइनएप्पल डालेंगे तो पाइनएप्पल जूस बाहर निकलेगा, साथ के साथ कुछ वेस्टेज भी आएगी, साथ के साथ कुछ वेस्टेज भी आएगी ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे आप, इसके अंदर क्या करेंगे आप, देखिए यहां से आपके पास जो यूजफुल चीज है उसको आप रेंज सेट में डालेंगे। देखिए रेंज में सारा कुछ आ जाएगा, वैसे रेंज में सारा कुछ आएगा, बट अगर मैं इसके अंदर वेस्टेज के अंदर ये कोडोमेन में ना डालूं ठीक है, तो ये पूरा का पूरा सेट क्या बन जाएगा आपके पास, रेंज बन जाएगा। वेस्टेज भी वैसे रेंज के अंदर आएगी क्योंकि ऑब्वियसली आउटपुट तो मिल रही है, बट मैं वेस्टेज को डालता नहीं हूँ, क्यों वो आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा क्यों नहीं डालता मैं ठीक है, क्योंकि फंक्शंस के कुछ रूल्स होते हैं उसको आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए डोमेन एंड रेंज मैंने आपको बता दिया है, जो डोमेन होती है वो ये होती है, कोडोमेन का जो सबसेट होता है जिसकी इमेजेस बनती हैं, जिसके अंदर से इमेजेस आती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं, और ये वाला सेट आपके पास क्या होता है, कोडोमेन होता है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस। अच्छा फंक्शन के बारे में एक बात और मैं ध्यान से बता दूं आपको, अगर फंक्शन जो है वो ए टू बी वर्क कर रहा है, ये ए है, ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, तो फंक्शंस पक्का सारे के सारे एलिमेंट के ऊपर क्या होगा, डिफाइन होगा, ए के हर एलिमेंट के ऊपर जो फंक्शन है डिफाइन होगा। मतलब अगर ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है, अगर ए के अंदर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर फंक्शन काम नहीं कर रहा, तो वो फंक्शन फंक्शन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने जूसर मिक्सर की एग्जाम्पल ली थी, अब देखिए यहाँ पे हम फ्रूट्स डाल सकते हैं नहीं तो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, उसके अंदर अगर मैं इसके अंदर अगर वुड डाल दूं, लकड़ी का टुकड़ा ठीक है, तो ये जो है काम नहीं करेगा, तो जो ये है काम नहीं करेगा, तो ये फंक्शंस इस लकड़ी के टुकड़े के लिए बेकार है, इसके लिए डिफाइन नहीं है। अब लकड़ी के टुकड़े कभी जूस सुना है क्या, जूस ऑफ वुड, नहीं नहीं होता ठीक है। तो जो एफएक्स है वो इसके लिए काम नहीं करेगा, ध्यान रख लेना, तो ऑब्वियसली एफएक्स इसके लिए डिफाइन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं रहा। अगर इसकी डोमेन के अंदर वुड आ गया तो वुड के ऊपर काम नहीं कर रहा, तो जो डोमेन है उसके हर एलिमेंट की इमेज आपको मिलेगी कोडोमेन के अंदर, अगर किसी एलिमेंट की इमेज नहीं मिल रही कोडोमेन के अंदर तो वो फंक्शन फंक्शन नहीं है ठीक है। और साथ ही साथ एक एलिमेंट की आपके पास सिर्फ एक इमेज आएगी, एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं आ सकती, एक एलिमेंट की सिर्फ आपके पास एक इमेज आएगी, आपके पास दो इमेजेस नहीं आ सकती। अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स, ये मैपिंग ले ली मैंने, तो अगर मैं f को मैप कराऊंगा 1 के ऊपर तो प्लस माइनस 1 आएगा, तो जो ये है प्लस माइनस 1, ये आपके पास दो इमेजेस आ गई 1 की, तो ये फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। बट अगर fx is equal to x अलग से लें, या फिर fx is equal to x minus x अलग से लें, तो ये पक्का क्या बनेगा आपके पास, फंक्शन बनेगा ठीक है। तो फंक्शंस के अंदर ये था जी, एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होगी, हाँ हो सकता है कि दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए, हो सकता है दो एलिमेंट की सेम इमेज आ जाए, बट एक एलिमेंट की इमेज एक ही रहेगी, दो एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है बट एक एलिमेंट की इमेज एक ही होती है। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, जब सबसे बड़ी बात जब उनकी डोमेन्स इक्वल हो,
सबसे बड़ी बात, जब उनकी डोमेन्स इक्वल हो और हर एक्स के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स हो तो एफ इज इक्वल टू जी माना जाएगा। फंक्शन और मैपिंग एक ही बात है जी, मैपिंग और फंक्शन में ज्यादा फर्क नहीं है, फंक्शन और मैपिंग जो है एक ही बात समझते हैं हम। उसके बाद आता है जी काउंटिंग ऑफ द फंक्शंस। काउंटिंग ऑफ द फंक्शन, देखिए अगर आपके पास जो आपके पास कोई फंक्शन है वो ए टू बी जा रहा है, बी की जो कार्डिनलिटी है वो है आपके पास एन और ए की जो कार्डिनलिटी है वो है आपके पास एम, तो जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो ये रहेंगे एन रेज टू पावर एम, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये है जी आपके पास काउंटिंग ऑफ फंक्शंस। उसके बाद लेट ए बी द सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट्स, कोई सेट है जी उसके पास 10 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, बी इज द सेट कंटेनिंग 5 एलिमेंट्स, ए सेट है जिसकी कार्डिनलिटी 10 है, बी सेट है जिसकी कार्डिनलिटी कितनी है 5 है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस रहेंगे वो रहेंगे जी 5 रेज टू पावर 10, जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस रहेंगे वो क्या रहेंगे 5 रेज टू पावर 10, ठीक है जी। उसके बाद आता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। 1-1 फंक्शन के अंदर क्या होता है, 1-1 फंक्शंस के अंदर 1-1 फंक्शंस वो वाले फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हर एलिमेंट की अपनी एक डिस्टिंक्ट इमेज हो, मतलब देखिए हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज तो होती है, हर एलिमेंट की एक इमेज होती है, बट कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसकी सेम इमेजेस हो, मतलब अगर ऐसा कोई एलिमेंट दिख गया जिसकी यही वाली इमेज बन रही है तो ये 1-1 नहीं रहेगा, हर एलिमेंट की अपनी एक डिफरेंट इमेज हो, डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि अगर 1-1 पे मैप कर रहा है तो 2 भी 1 पे अगर मैप कर जाए तो उसको आप नहीं बोलेंगे 1-1 फंक्शन। अगर मैं कॉन्स्टेंट मैप की बात करूं एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ले लूं यहां पे हमेशा 1, तो एफ जो 1 है वो भी 1 है, एफ 2 भी 1 है, एफ 3 भी 1 है, ठीक है, तो इसके लिए जो फंक्शंस हैं 1, 2, 3 की जो मैपिंग आ रही है 1 आ रही है, सेम इमेज आ रही है, तो ये फंक्शन को जो है वो आपके पास 1-1 फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन आपके पास क्या है 1-1 फंक्शन नहीं है। उसके बाद अगर बात करते हैं एल्गोरिदम की, अगर चेक करना है कि आपको कि फंक्शन जो है वो 1-1 है या नहीं है, अगर फंक्शन 1-1 है या नहीं है अगर आपको चेक करना है, देखिए कैसे हम चेक करेंगे, मान लीजिए कि दो फंक्शन हैं आपके पास, सॉरी दो एलिमेंट्स हैं एफ के अंदर, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, ठीक है जी, यहां से एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू अगर ये है, तो अगर इस चीज से ये चीज इंप्लाई हो रही है x1 is equal to x2, अगर आप दो फंक्शंस की जो इमेजेस हैं, दो एलिमेंट्स की जो इमेजेस हैं वो सेम लेके चल पड़े और वहां से आपके पास वो एलिमेंट्स ही सेम आ गए, दो एलिमेंट जो उठाए थे उनकी सेम इमेजेस लेके चल पड़े, अगर वो यहां से दोनों एलिमेंट्स ही सेम आ गए तो ये फंक्शन क्या रहेगा 1-1 रहेगा। फाइन जी, एफ 0,1 टू आर डिफाइंड बाय, देखिए ये फंक्शन है आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहां से आपने दो एलिमेंट उठाए x और y, उनकी इमेजेस सेम लेके चल गई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, और फंक्शन जो है 0 to 1 to लेके r तक है, 0 से 1 से r तक है, तो देखिए यहां से इसका एक्स स्क्वायर और इसका वाई स्क्वायर, अगर बात करेंगे देखिए यहां से x इज इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस y आ सकता है, बट यहां पे माइनस वाला नंबर तो है ही नहीं, नेगेटिव नंबर है नहीं, तो सीधा यहां से ये इंप्लाई हो गया x इज इक्वल टू y, क्योंकि x और y दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, तो नेगेटिव तो कभी हो नहीं सकता ये, ठीक है, तो यहां से x इक्वल टू y आ गया, तो फंक्शन क्या है ये 1-1 है, फंक्शन क्या है 1-1 है। फाइन, और अगर मैं डोमेन की बात करूं, अगर मैं डोमेन चेंज कर दूं यहां से -1 to 1, चलिए ये ले लीजिए r तक, अगर मैं बात करूं -1 की जो इमेज है वो 1 आ रही है, अगर मैं बात करूं यहां पे 1 की इमेज भी 1 आ रही है, तो ये फंक्शन ही नहीं बना। देखिए डोमेन चेंज करने से ही फंक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, उसका 1-1 होना या ना होना पूरा का पूरा डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, फंक्शन का डिफाइन होना डोमेन के ऊपर जो है डिपेंड करता है। फाइन, उसके बाद चलते हैं जी आगे, इंजेक्टिविटी जो है वो आपको ग्राफ्स के साथ भी चेक कर सकते हैं, देखिए पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट दी कर्व वाई एफ एक्स एट मोस्ट एट वन पॉइंट, देखिए अगर आप मान लीजिए किसी फंक्शन ग्राफ इस तरह से बन रहा है, तो यहां से अगर पैरेलल टू लाइंस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहां से ऐसे, तो अगर हर लाइन
ज्यादा से ज्यादा एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है इस एफेक्ट इस लाइन के साथ, तो ये फंक्शन वन वन है। बट अगर एक लाइन, अगर मान लीजिए फंक्शन ग्राफ इस तरह से है ऐसे, अगर ये लाइन एक लाइन एक से ज्यादा पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर गई तो ये फंक्शन क्या है आपके पास, वन वन नहीं रहेगा। ये फंक्शन क्या है आपके पास, वन वन नहीं रहेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहां से कहता इफ एफ इज ए टू बी देन एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए। हाउएवर एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इंप्लाइज एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए इज ट्रू ओनली वेन इट इज इंजेक्टिव मैप। कहता अगर फंक्शन चेक करना है, अगर वेल डिफाइन है तो एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू होगा, अगर ये चीज है तो ये चीज होगी, पक्का होगी। बट अगर ये चीज है, यहां से ये चीज प्रूव करनी है, ये तभी पॉसिबल है इफ एफ इज वन वन, इफ एफ इज वन वन। फाइन, अगर फंक्शन है तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होने का मतलब ये चीज पक्का होगी, बट अगर ये चीज है इसका, ये चीज तभी आएगी जब एफ क्या है, वन वन होगा, इफ एफ इज वन वन। उसके बाद मैनी वन फंक्शन की बात करते हैं। लेट, यहां से सी पॉइंट रह गए, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स हैविंग एम एंड एन एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन जो होते हैं वो आपको ये चीज देती है एनपीएम, एनपीएम जो एन है वो आपके पास क्या है, बी सेट की कार्डिनलिटी, एम है वो आपके पास क्या है, ए सेट की कार्डिनलिटी, एनपीएम। यहां से मतलब इस तरह से अगर मैं बनाऊ, कार्डिनलिटी ऑफ बी परमुटेशन कार्डिनलिटी ऑफ ए, ये आपके पास क्या बनते हैं, वन वन फंक्शंस बनते हैं टोटल नंबर ऑफ। मैनी वन फंक्शन के अंदर क्या होता है, अगर किन्हीं दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए उसको हम बोलते हैं मैनी वन फंक्शन, मतलब वो वन वन। हाँ, ये कहना गलत है कि वन वन ना हो, ये कहना गलत है कि वन वन ना हो, ठीक है, बट ये है कि मैनी वन फंक्शन के अंदर क्या होता है, अगर दो एलिमेंट्स की सेम इमेज आ जाए, जैसे वन की इमेज वाई है और थ्री की इमेज क्या है, वाई है, उसको आप बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद ऑन टू फंक्शन के अंदर क्या होता है, कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे एलिमेंट्स किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज बनते हैं, मतलब अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, यहाँ पे कोडोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी एक रिवर्स इमेज होनी चाहिए, प्री इमेज डोमेन के अंदर होनी चाहिए, मतलब सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स कवर होने चाहिए, सारे के सारे कोडोमेन के एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। ठीक है, अगर मैं कोड ऑन टू फंक्शन की बात करूं तो अगर रेंज सेट जो है इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए, अगर रेंज सेट इज इक्वल टू कोडोमेन आ जाए तो पक्का जो फंक्शन होता है वो ऑन टू आपके पास होता है। उसके बाद यहां से देखिए, अगर फंक्शन है आपके पास 0 टू 1 टू r, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज वन वन फंक्शन, वेयर एज फंक्शन f माइनस वन टू वन टू आर डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉट वन वन। अगर इसके ऊपर चेक करेंगे तो ये वन वन नहीं है, बट अगर इस डोमेन के ऊपर चेक कर लेंगे तो ये वन वन है, यहाँ से ये वन वन है इसके ऊपर। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑन टू की तो इसके ऊपर चेक करेंगे तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बट अगर इस कोडोमेन के ऊपर चेक करेंगे तो ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक है जी, तो वन वन होना डोमेन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑन टू होना आपके पास कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ अगर ऑन टू फंक्शन निकालने हैं आपको तो यहां से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आपको मिलते हैं इस सेट से, इस रिलेशन से, n रेज टू पावर m माइनस समेशन r टू 1 टू n माइनस 1 रेज टू पावर r प्लस 1 ncr n माइनस r रेज टू पावर m। ये टोटल नंबर ऑफ आपके पास ऑन टू फंक्शंस का फॉर्मूला है, n रेज टू पावर m माइनस समेशन r टू 1, और जो r है वो आपके पास देखिए यहां से a एंड b आर टू सेट्स हैविंग m एलिमेंट्स एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, m एंड n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली। इसके पास क्या है, m एलिमेंट्स हैं, इसके पास क्या है, n एलिमेंट्स हैं, और यहां से जो 1 से लेके m तक है, और जो r वेरी कर रहा है वो 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है, समेशन माइनस वन रेस्ट पावर r प्लस 1 ncr n माइनस r रेस्ट पावर m। ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने के लिए। तो ये है आपके पास, इसके अंदर 4 और 3 के साथ 36 आ रहा है, इसको आप चेक कर लेना फॉर्मूले में डाल के, आपको पता लग जाएगा 36 इसका जो है आंसर आएगा। इनटू फंक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए कहता अगर आपके पास
कोर डोमेन के अंदर ऐसा एलिमेंट पड़ा है जिसकी इमेज नहीं है, कोर डोमेन के अंदर अगर ऐसा एलिमेंट पड़ा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, ये मान लीजिए कोर डोमेन के अंदर एक एलिमेंट पड़ा है जिसकी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इन टू फंक्शन हो जाएगा। वन वन ऑन टू फंक्शन जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम बोलते हैं वन वन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कैंटर थ्योरम की, तो कैंटर थ्योरम क्या बोलती है, कहती है कि फॉर एनी सेट ए देयर इज नो मैप फ्रॉम ए टू पावर सेट ऑफ ए, कहता है ऐसी कोई भी मैप ए से लेके पावर सेट ऑफ ए तक नहीं होगी जो सर्जेक्टिव होगी, मतलब जो ऑन टू होगी, कोई भी मैप ऐसी नहीं होगी जो ए से लेके पावर सेट ऑफ ए तक जाएगी और क्या होगी, सर्जेक्टिव होगी, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के अंदर दो फंक्शन को कंबाइन करके जो फंक्शन बनते हैं उनको हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोलते हैं। अगर आपके पास एफ ए टू बी है और जी आपके पास बी टू सी है, ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ी बात जब आपको कंपोजिशन बनानी है, जैसे देखिए मान लीजिए यहां से जी ऑफ एफ जो होगी वो इस तरह से डिफाइन होगी ए टू सी, जी ऑफ एफ कैसे डिफाइन होगी ए टू सी, देखिए सबसे पहले काम कर रहा है एफ, ये वाली मशीन काम कर रही है, ए टू बी जा रही है, ये जो जी है वो बी टू सी जा रही है, तो टोटल जो कंपोजिशन हो जाएगी ए टू सी चली जाएगी। देखिए कंपोजिशन का मतलब ये है, ये एफ है ये जी है, तो पहले जी एफ ने काम किया यहां पे ए सेट से यहां पे बी सेट में, ये बी सेट से सी सेट तक, तो टोटल ए से लेके सी तक इसने एलिमेंट पहुंचा दिया, किसने, जी ऑफ एफ ने, जी ऑफ एफ ने, ठीक है। तो जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी का जो है बराबर होना एक बात नहीं है, एक बात नहीं है, एसोसिएटिव जरूर होती है। अगर एच ऑफ जी ऑफ एफ या फिर ये एच ऑफ जी ऑफ एफ अगर डिफाइंड है तो ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। कहता अगर ए भी बाइजेक्टिव मैप है, मतलब बाइजेक्टिव का मैप, देखिए वन वन का मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू का मतलब सर्जेक्टिव और वन वन ऑन टू का मतलब बाइजेक्टिव। अगर ए जो एफ जो है वो बाइजेक्टिव है, मतलब वन वन भी है और ऑन टू भी है, जी जो है वो भी बाइजेक्टिव है, वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो जी ऑफ एफ ए टू सी क्या रहेगी, विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्शन, विल ऑल्सो बी अ बाइजेक्शन। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इनवर्स फंक्शन की, तो देखिए इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है, आपके पास इनवर्स फंक्शन के अंदर क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन आपके पास वन वन भी है और ऑन टू भी है, अगर कोई फंक्शन आपके पास वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो जो काम एफ ने किया है, जो काम एफ नाम की मशीन ने किया है, उस काम को उल्टा दे, उस फंक्शन को हम इनवर्स फंक्शन बोलेंगे। अगर एफ काम कर रहा है ए टू बी और एफ इनवर्स जो काम करेगा बी टू ए करेगा, ये तभी डिफाइन होगा अगर एफ जो है वन वन एंड ऑन टू है, वन वन एंड ऑन टू है, जो इनवर्स है तभी डिफाइन होता है अगर वन वन ऑन टू फंक्शन हो, ठीक है। तो एफ इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज वन वन एंड ऑन टू, एफ इनवर्स डिनोट द इनवर्स ऑफ एफ देन इट इज यूनिक, जो है ये यूनिक है। कहता अगर एफ एक्स टू वाई एक मैपिंग है, मतलब फंक्शन है, ई और एफ वाई के सबसेट है, देन एफ इनवर्स जो फाई होगा वो भी फाई होगा, और जो अगर ई सबसेट है एफ का, तो एफ इनवर्स जो ई होगा वो सबसेट होगा एफ इनवर्स एफ का, ठीक है। उसके कुछ रिजल्ट्स ये वाले हैं, यूनियन यूनियन पे, इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन के ऊपर, ठीक है। और अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ और उसका इनवर्स है एफ इनवर्स, तो इनकी जो कॉम्पोजिशन होगी वो आइडेंटिटी मैपिंग होगी, चाहे इस तरह से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद बाउंडेड फंक्शन आ जाते हैं जी। बाउंडेड फंक्शन का मतलब क्या है, जिन फंक्शंस के लिए आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर है m, कोई ना कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है m, सच दैट उनका जो मॉड है फंक्शन की वैल्यूज का, सारे के सारे जितने भी नंबर्स हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर, मान लीजिए आपके पास f जो है s टू r काम कर रहा है, ठीक है। अगर इसके लिए एक ऐसा नंबर ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट जो एफ एक्स का मोड है वो लेस देन इक्वल टू m रह रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू s, डोमेन के हर एलिमेंट के लिए जो इसकी वैल्यू वो एक्सीड नहीं करेगी, ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे बाउंडेड फंक्शन। अ फंक्शन इज बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड, इफ एंड ओनली इफ नहीं, इफ इट्स रेंज सेट इज बाउंडेड, ठीक है। अनबाउंडेड फंक्शन के अंदर वो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती, मतलब ऐसा कोई नंबर आपको मिल नहीं पाता जिससे उसकी वैल्यू क्या रहे, कम रहे, जिससे उसकी वैल्यू क्या रहे, कम रहे। एस इज अ सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी अनबाउंडेड फंक्शन ऑन एस इफ फॉर ऑल एम ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट बिलोंग्स टू एस सच दैट एफ एक्स नॉट
इज ग्रेटर देन एम, सच दैट एफ एक्स नॉट इज ग्रेटर देन एम. ठीक है, सम ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज ऑल्सो अ बाउंडेड फंक्शन. ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन भी बाउंडेड फंक्शन रहता है. ठीक है, उसके बाद कंपोजिशन ऑफ टू बाउंडेड फंक्शन इज ऑल्सो अ बाउंडेड फंक्शन. देखिए, सम प्रोडक्ट कंपोजिशन कहता, अगर एफ बाउंडेड है और जी अनबाउंडेड है, देन एफ प्लस जी अनबाउंडेड होगा गिवन डोमेन के अंदर. अगर एफ बाउंडेड, एफ और जी बाउंडेड है, तो एफ अपॉन जी भी मे और मे नॉट बी बाउंडेड. तो सम प्रोडक्ट जो है वो क्या रहता है, सम प्रोडक्ट और कंपोजिशन क्या रहती है, बाउंडेड रहती है. जो उसकी डिवीजन है वो बाउंडेड नहीं रहती. और साथ ही साथ अगर एफ बाउंडेड है, जी अनबाउंडेड है, तो एफ प्लस जी मे और मे नॉट भी बाउंडेड हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये आते हैं आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन. अलजेब्रिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू बी अलजेब्रिक इफ इट इज अ रूट ऑफ पॉलीनोमियल, इफ इट इज अ रूट ऑफ पॉलीनोमियल इन वाई विच इज ऑफ द फॉर्म दिस. फंक्शन एफ एक्स को आप अलजेब्रिक बोलेंगे अगर वो नीचे जो पॉलीनोमियल दे रखी है इसका क्या हो, रूट हो. वेयर क्यू नॉट एक्स, क्यू एन एक्स, क्यू टू एक्स, क्यू एन एक्स क्या है, फंक्शंस ऑफ एक्स हैं, फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली हैं. अगर इस वाले पॉलीनोमियल का कोई फंक्शन रूट बन रहा है, किसकी वैल्यू शिका जी, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं यहां से ट्रांसडेंटल फंक्शन की, तो फंक्शंस जो अलजेब्रिक नहीं होते उसको हम ट्रांसडेंटल फंक्शन बोलते हैं. उनकी जो एग्जांपल है ये है, उनकी जो एग्जांपल है जी आपके पास क्या है, ये है. ठीक है, देखिए इसके अंदर अनबाउंडेड, अनबाउंडेड के अंदर पूछ रहे हैं जी, अनबाउंडेड के अंदर पूछ रहे हैं आप. अरे मुझे बता तो दो किसके अंदर किसकी वैल्यू. हाँ, अनबाउंडेड के अंदर, देखिए अनबाउंडेड के मैं द्वारा डिफाइन कर देता हूँ. आपके पास कोई भी फंक्शन है f फ्रॉम s टू r, ठीक है, इसको आप अनबाउंडेड बोलेंगे s के ऊपर. कहता अगर फॉर ऑल m ग्रेटर देन जीरो, जो मर्जी नंबर ले लो ग्रेटर देन जीरो, अगर एफ एक्स की वैल्यू आपको इस नंबर से ग्रेटर मिल जाए किसी भी एक्स नोट के लिए, मतलब आपके पास कोई ऐसा पर्टिकुलर नंबर नहीं मिला जिससे, ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं मिला m कि फंक्शन की वैल्यू इससे कम रहे, इससे अगर कम रहेगी तो बाउंडेड होगा. अगर हर किसी ना किसी एक्स आपको ऐसा मिल जाएगा, कोई ना कोई अगर एक्स ऐसा मिल जाए जिससे उस इस फंक्शन की वैल्यू एम से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, ये फंक्शन अनबाउंडेड होगा. मतलब क्या है, अगर आपके पास फंक्शन के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, मतलब बहुत आगे तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब उसके ऊपर कोई बाउंड नहीं है, मतलब उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको आप अनबाउंडेड फंक्शन बोलेंगे. मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा, ऐसा नंबर आप ढूंढ ही नहीं पा रहे कि फंक्शन की वैल्यू उससे कम ही रहे उस नंबर से, उसको आप अनबाउंडेड फंक्शन बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद ये टाइप्स ऑफ फंक्शन है अलग अलग. ठीक है, एक बार इसको देखिए, मैं एक मिनट में आता हूँ यहाँ पे. ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन को रीड कीजिए, मैं आता हूँ. हाँ जी, देखिए पीरियोडिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी पीरियोडिक. कोई फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, उसको पीरियोडिक फंक्शन कब बोलते हैं, अगर इसके लिए एक टी बिलोंग कर रहा है आर को, सच दैट, मतलब इस टी के बाद ये फंक्शन रिपीट करिए, मतलब ये चीज, मतलब अगर एक्स एक्स के अंदर अगर आप टी ऐड कर दें, वो एफ एक्स के इक्वली आए. अगर आप एक्स के अंदर टी ऐड कर दें, वो एक्स के इक्वली आए. ठीक है, अगर मैं बात करूं, मान लो एफ एक्स आपके पास साइन एक्स है, ठीक है, अगर मैं एक्स के अंदर टू पाई ऐड कर दूं, तो ये साइन टू पाई प्लस एक्स बनेगा, तो ये साइन एक्स के इक्वल ही होता है. देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू पाई के इक्वल आ गया,
तो ये जो पीरियड हो गया इसका 2π हो गया यहाँ से, ठीक है। तो लेट वाई बी द वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी अ पीरियोडिक फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर टी फॉर पीरियोडिक फंक्शन एफ सच दैट एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स देन टी इज कॉल्ड फंडामेंटल पीरियड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तो इस टी को आप फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2nπ ले रखा है, हर 2nπ मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये रिपीट करेगा तो इसका जो पीरियड है 2nπ है, इसको आप फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे 2π को। 2π को क्या बोलेंगे? फंडामेंटल पीरियड बोलेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वाला। कौन सा? सबसे स्मॉलेस्ट वाला। उसके बाद अगर एफ एक्स इज इक्वल टू 3 है तो एफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स यहाँ से हमेशा है, ठीक है, इसका कोई भी फंडामेंटल पीरियड नहीं है। हर आर के लिए आपके पास ये है, हर टी के लिए एफ एक्स की तो कांस्टेंट फंक्शन है ना, जो मर्जी आप रियल नंबर उठा लो, कोई छोटे से छोटा नंबर मिलेगा नहीं, तो उसका फंडामेंटल पीरियड कोई नहीं है बट पीरियोडिक है ये, ठीक है जी। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स की, देखिए अब आपके पास अगर मैं बात करूँ तो तीन तरह के आपको सेट्स देखने को मिलेंगे, फाइनाइट, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, फाइन। तो फाइनाइट के अंदर वो वाले एलिमेंट जिनको आप गिन सकते हैं, सिंपल, इनफाइनाइट ना हो उसके अंदर, पहली बात फाइनाइट एलिमेंट्स हो जिनको आप गिन सकें उसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट। मतलब इनफाइनाइट एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। देयर देन अ नॉन एम्प्टी सेट ए इज सेट टू बी फाइनाइट इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू एन। अगर ये सेट है ऐसा एस एन आपने ऐसा सेट ले रखा है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन एंड अ बाइजेक्शन फ्रॉम एस एन टू ए, ठीक है, n gives the number of elements in the set A. If so no such n exists, then set A is called set to be infinite. तो finite set के अंदर क्या है, देखिए आपके पास क्या है, simple से मैंने simple एक Indian भाषा में समझा दिया है कि जिसके elements आप गिन सकें, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ से अगर mathematics की term में समझना है तो कहता कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट A, ठीक है, उसको मैं फाइनाइट कब बोलूंगा, अगर उसके लिए एक bijection जा रही है ऐसे, मान लीजिए ए के अंदर एन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एस एन के पास वो एलिमेंट्स होंगे, मतलब एफ वन को मैप कराएंगे इसके फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर, एफ टू को मैप कराएंगे इसके सेकंड एलिमेंट के ऊपर, इस तरह से। अगर ये बाइजेक्शन आपको मिल रही है, मतलब वन वन ऑन टू मैपिंग मिल रही है एस एन टू ए, तो आप इसको बोलते हैं फाइनाइट सेट। अगर आपके पास ऐसी कोई भी बाइजेक्शन मैप नहीं मिल रही है, या फिर आपके पास ऐसा कोई भी एन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आप बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ वोवल्स है यहाँ पे ए ई आई ओ यू, अगर आप बात करें यहाँ पे S5 to A, ठीक है, F यहाँ से जा रहा है, देखिए F1 को मैप करा देंगे A के ऊपर, F2 को मैप करवा देंगे आप E के ऊपर, F3 को मैप करवा देंगे I के ऊपर, F4 को A E I O के ऊपर, और यहाँ से F5 को U के ऊपर, यहाँ तक खत्म होगी मैपिंग। ये बाइजेक्शन है तो ये क्या है आपके पास? फाइनाइट सेट है। वैसे भी इसके एलिमेंट हम गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, इसको आप बोलते हैं फाइनाइट सेट। दो सेट सिमिलर होते हैं अगर उनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो, ठीक है, दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैप ऑन ए, कहता ए इज इक्विवेलेंट टू इटसेल्फ इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी मैप ऑन ए, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट, और ये वाली इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट सेट्स का डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी अगर बाइजेक्शन जा रही है उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एफ ए टू बी आपके पास एक बाइजेक्शन मिल रही है तो ए इज इक्वलेंट टू बी आप बोलते हैं यहां से, फाइन। तो मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट इज दैट एवरी इनफाइनाइट सेट इज इक्वलेंट टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, वेयर एज अ फाइनाइट सेट कैन नेवर बी इक्वलेंट टू इट्स वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। देखिए हर सेट जो होता है आपके पास, मेन डिफरेंस जो फाइनाइट और इनफाइनाइट के अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात तो उसके एलिमेंट आप गिन सकते हैं, उसके एलिमेंट आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। दूसरी बात क्या है कि जो फाइनाइट सेट है वो अपने प्रॉपर सेट के से इक्विवेलेंट नहीं होता, इनफाइनाइट सेट के पास कम से कम एक ऐसा सेट होता है जिसके वो इक्विवेलेंट हो, इनफाइनाइट सेट के पास एक ऐसा सबसेट होता है जिसके वो इक्विवेलेंट हो। सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट एंड एम्प्टी सेट कंसिडर्ड एज अ फाइनाइट सेट, फाइन। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, कौन से सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है? देखिए अब ऐसे सेट जो इनफाइनाइट सेट तो हो बट वो काउंटेबल हो, मतलब क्या है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं जी, ऐसे सेट
अगर आप मैपिंग डिफाइन करो नेचुरल नंबर से जेड तक, कोई सेट एस को आप काउंटेबली इन्फाइनाइट सबसे पहले कब बोलोगे? सबसे बड़ी बात तो वो इन्फाइनाइट होना चाहिए, और दूसरी बात वो इक्विवेलेंट टू होना चाहिए नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ, मतलब उसकी एक बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट करनी चाहिए एस टू एन। मतलब अगर एस टू एन आपके पास एक बाइजेक्टिव मैप एग्जिस्ट कर रही है तो आप क्या बोलेंगे, ये फंक्शन सेट क्या है, बाइजेक्टिव है। चाहे ये मैप ले लीजिए, एक ही बात है, एन टू एस और एस टू एन एक ही बात है, अगर ये बाइजेक्टिव हुई तो ये भी बाइजेक्टिव ही होगी, ठीक है। तो अगर यहां से बात करें जेड की, तो जेड इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, तो यहां से नेचुरल नंबर से जेड तक इस तरह से डिफाइन किया हुआ है जी। एफ वन देखिए, फाइव वन को माइनस वन रेज टू पावर एन, यहां से एन बाय टू, अगर बात करें माइनस वन रेज टू पावर यहां पे वन, ठीक है, और यहां पे वन बाय टू, तो ये कितना होता है, जीरो होता है, वन बाय टू का ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा, ठीक है। तो फाइव वन मैप हो गया जीरो के ऊपर, इसी तरह से टू के ऊपर मैप करवाएंगे तो वो वन के ऊपर मैप होगा, थ्री को मैप करवाएंगे तो वो कहाँ पे मैप होगा, माइनस वन के ऊपर। इस तरह से मैपिंग चलेगी, जीरो वन जीरो के ऊपर, टू आपके पास हो जाएगा मैप, देखिए वन जो मैप हो रहा है जीरो के ऊपर, टू जो मैप हो रहा है वन के ऊपर, थ्री जो मैप हो रहा है माइनस वन के ऊपर, फोर मैप होगा टू के ऊपर, फाइव मैप होगा माइनस टू के ऊपर, इस तरह से चलेगी जी। तो सारे के सारे कवर हो जाएंगे आगे तक, जितने मर्जी ले लीजिए, ये बाइजेक्टिव मैप आपके पास है, फाइन। काउंटेबल सेट, काउंटेबल मीन सेट आपको बता दिया जिसकी इक्वलेंसी आपके पास ये चीज हो, जो नेचुरल नंबर के इक्वलेंट हो जो सेट। अ सेट इज काउंटेबल इफ इट आइदर फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। कोई सेट को काउंटेबल कब बोलोगे, या तो फाइनाइट हो उसके एलिमेंट्स आप गिन सकते हो, या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट हो, मतलब इनफाइनाइट हो बट नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्वलेंट हो। दैट इज इन केस ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट देयर इज अ फंक्शन एफ व्हिच इज अ बाइजेक्शन फ्रॉम एन टू दैट सेट, ठीक है, ओके। उसके बाद है आपके पास अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट आपके पास कौन से होते हैं, द सेट विच इज नॉट काउंटेबल सेट, इसको आप बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट। वो वाला सेट जो आपके पास क्या हो, काउंटेबल ना हो, जिसके एलिमेंट्स गिन ना सकते हो और साथ के साथ कोई बाइजेक्शन ना एग्जिस्ट करे एन टू लेके दैट सेट, उसको आप बोलते हैं अनकाउंटेबल सेट, फाइन। कार्डिनलिटी ऑफ इन्फाइनाइट सेट, देखिए इन्फाइनाइट सेट की जो कार्डिनलिटी होती है एन, जिसको आप गिन सकते हैं उसकी कार्डिनलिटी आप एल्फ नोड से डिफाइन करते हैं, और जिसको आप अनकाउंटेबल बोलते हैं इसको आप सी से डिफाइन करते हैं, कॉन्टिनम बोलते हैं इसको, आप बोलते हैं एल्फ नोट, एल्फ नोट, कॉन्टिनम और एल्फ नोट। जो अलजेब्रा है कार्डिनलिटी का, अरिथमेटिक है, वो ये है, अगर आप काउंटेबल को एन टाइम्स ऐड करोगे तो ये काउंटेबल रहेगा, काउंटेबल के अंदर अगर एन ऐड करोगे तो ये एल्फ नोट ही रहेगा, अगर एल्फ नोट के अंदर आप सी ऐड करोगे तो ये सी के इक्वल आ जाएगा, अगर सी को आप एन टाइम्स ऐड करेंगे तो ये सी बनेगा, और अगर आप एन की मल्टीप्लाई एल्फ नोट से कर देंगे, मतलब एल्फ नोट को एन टाइम्स ऐड किया है ये एल्फ नोट ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद सी की मल्टीप्लाई एन टाइम्स करेंगे तो ये सी रहेगा, देन एल्फ नोट इंटू सी क्या रहता है, सी रहता है, फाइन। टू रेज टू पावर एल्फ नोट, टू रेज टू पावर एल्फ नोट ये होता है आपके पास सी, ये ग्रेटर देन होता है एल्फ नोट से, अगर एल्फ नोट रेज टू एल्फ नोट बात करें ये टू रेज टू एल्फ नोट के इक्वल आता है और ये सी के इक्वल आता है। एल्फ नोट रेज टू पावर सी दैट मींस टू रेज टू पावर सी, जो सी है वो भी आपके पास, जो टू रेज टू पावर सी है वो सी से बड़ा सेट है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमें पता ही है कॉन्टिन्यूम की जो कार्डिनलिटी है वो एल्फ नोट से बड़ी है, एन जो है फाइनाइट की जो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट से बड़ी होगी, ठीक है। फॉर एनी ट्रांसफाइनाइट नंबर, ये देखिए अल्फा बीटा और गामा, ये चीज है आपके पास, फाइन। अल्फा बीटा रेज टू पावर गामा इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा, और अल्फा बीटा गामा अल्फा, ये आपके पास रिजल्ट है, इसको देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद ये कुछ रिजल्ट हैं जी इनफाइनाइट सेट और फाइनाइट सेट के साथ रिलेटेड, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट के साथ रिलेटेड। तो यहां से ए इज फाइनाइट सेट एंड बी सबसेट ऑफ ए, बी इज फाइनाइट, कहता है अगर आपके पास ए फाइनाइट है और बी है सबसेट ऑफ ए तो बी भी पक्का क्या रहेगा, फाइनाइट सेट रहेगा, मतलब एवरी सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज फाइनाइट, ऑब्वियसली बात है फाइनाइट एलिमेंट के सबसेट क्या होते हैं, फाइनाइट्स होते हैं। अगर ए और बी फाइनाइट है तो ए इंटरसेक्शन बी भी फाइनाइट रहेगी। एवरी सबसेट ऑफ अ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ऑब्वियसली बात है काउंटेबल सेट की जो सबसेट होती है वो काउंटेबल होती है। इनफाइनाइट सबसेट ऑफ डीन्यूमरेबल सेट इज डीन्यूमरेबल, काउंटेबल की बात ही कर रहे हैं जी, डीन्यूमरेबल का मतलब काउंटेबल, ठीक है।
ए एंड बी आर काउंटेबल देन ए इंटरसेक्शन बी इज काउंटेबल. एवरी इंफिनाइट सेट हैज काउंटेबल सबसेट. हर इंफिनाइट सेट के पास एक काउंटेबल सबसेट होगा. कोई भी फाइनाइट सेट उठा लेना, कोई भी फाइनाइट सेट उठा लो, हर इंफिनाइट सेट के पास एक फाइनाइट सेट तो होता ही है, वो काउंटेबल ही होता है. ठीक है, ए इज काउंटेबल, बी इज काउंटेबल इंप्लाइज ए यूनियन बी इज काउंटेबल. यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. यूनियन ऑफ डीन्यूमरेबल कलेक्शन ऑफ सेट इज डीन्यूमरेबल. अब देखिए डीन्यूमरेबल का मतलब क्या है, काउंटेबल ही है. ठीक है, द यूनियन ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल. डीन्यूमरेबल का मतलब क्या है, काउंटेबल ही है. ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखी है. सेट ऑफ रैशनल नंबर्स आपके पास क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं. सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर भी काउंटेबल होते हैं. एन क्रॉस एन, देखिए एन क्रॉस एन. अब इसकी कार्डिनलिटी एफ एल्फ नोट मल्टीप्लाई एल्फ नोट रहेगी, ये एल्फ नोट के इक्वली होता है, तो ये भी काउंटेबल है. ठीक है, सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम जेड टू टू एन इज काउंटेबल. ठीक है, अब जेड टू आपके पास क्या है, Z2 आपके पास मॉडुलस वाला सेट है, इसके अंदर ये ले दो एलिमेंट्स होंगे जी. ठीक है, उसके बाद डिसजॉइंट इंटरवल. अब देखिए अब आपके पास ये है ना, अब अल्फा नोड का स्केयर बन जाएगा सेट ऑफ ऑल फंक्शन, यहां से लेके यहां तक जाना है अपने जेड टू टू एन, तो ये अल्फा नोड ही रहता है. ठीक है, ये अलग अलग सेट्स दे रखे हैं, काउंटेबिलिटी की एग्जांपल्स दे रखी हैं, इसको देख लेना आप लोग. ये अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन है जी, सॉरी एग्जांपल्स हैं. सेट ऑफ रियल नंबर्स अनकाउंटेबल रहता है, हालांकि ये भी सेट जो है अनकाउंटेबल है. ये भी सेट क्या है, अनकाउंटेबल है. अगर आप आर टू आर फंक्शंस की बात करें अनकाउंटेबल है. देखिए सी रेस टू पावर सी, इसकी जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस, इसका जो कार्डिनलिटी बनेगी सी रेस टू पावर सी, इसकी जो कार्डिनलिटी बनेगी वो एल्फ नोट रेस टू पावर क्या बनेगी, एल्फ नोट बनेगी. तो ये सी होता है आपके पास, अरिथमेटिक में करवाया था मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो ये है सारी जी कहानी आपके पास. ये कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको रीड कर लेना. और की पॉइंट्स जो हमने पढ़ के आए हैं सारे के सारे वही की पॉइंट्स एज इट इज बनाए हुए हैं यहाँ पे. ठीक है, जो हम पढ़ के आए उसको समरी में लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है. तो ये थी सारी कहानी जी हमारे पास फंक्शंस की और काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट्स की. ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, एक घंटा होता है. वहाँ पे हमारी जो क्लास रहती है वो डेढ़ घंटे की क्लास रहती है, तो उसके अंदर ज़्यादा इलेबोरेटेड वे में हम समझा सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर. तो जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए. अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा पहले प्रोफाइल चेक कर सकते हैं. यहाँ मेरी प्रोफाइल का लिंक unacademy.com ravi_mittal, और यहाँ पे आपके पास प्लस के अंदर यहाँ पे अगर आप रेफरल कोड यूज़ करते हैं ravi_mittal, तो आपको 10% का जो है एडिशनल आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा. PDF अपलोड नहीं करते YouTube के ऊपर इशिका जी, PDF अपलोड नहीं होती. ठीक है, अगर किसी को PDF चाहिए होगी तो Unacademy के ऊपर मुझे मैसेज कर देना प्रोफाइल खोल के, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा इस क्लास की. ठीक है, तो अगर आपको मेरे कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, इन कोर्सेज को शेयर कीजिए, इनको रेट रिव्यू रेकमेंड करना मत भूलना. थैंक यू. एंड आज शाम को Unacademy के ऊपर 24 नवंबर, ठीक है, 6 PM को स्पेशल क्लास है जी. स्पेशल क्लास है हमारी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा के ऊपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लीनियर अलजेब्रा के ऊपर. तो Unacademy प्लस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस स्पेशल क्लास के, Unacademy प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस स्पेशल क्लास के जरिए. ठीक है, तो स्पेशल क्लास जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है. एक बार आप एक्सपीरियंस लेके देखिए इस क्लास का कैसा रहता है. फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, बिल्कुल स्पेशल क्लास. तो आइएगा ज़रूर, अगर आपको अच्छा लगे तो Unacademy प्लस को सब्सक्राइब करना. तो मिलते हैं जी स्पेशल क्लास के अंदर. थैंक यू.